गुड इवनिंग गुड इवनिंग। रिस्पॉन्स तो अच्छा था ही, शिल्पा जी ने आज अपनी पूरी पावर दिखाते हुए मतलब यहाँ पे एक नई स्क्रीनिंग ग्रीन कार्पेट लगा दिया। जी शमिता एंड शिल्पा दोनों के दोनों, आई थिंक बोथ द सिस्टर्स आर ट्रू रॉक स्टार्स, एंड शमिता का ऑलरेडी रोल काफ़ी लोगों ने देख लिया हुआ है वूट के ऐप पे, एंड ऑफकोर्स उनके कुछ फ्रेंड्स के लिए उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है, सो ऑफकोर्स द एंटायर कास्ट एंड क्रू इज वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके हुआ ब्रो, ओके ये ओके हो गया ब्रो, भाई साहब इतने सारे लोग सारे कैमरा लेके आए, भाई टेंशन वाली बात है ये तो। हाँ, सो ऑफकोर्स यू नो द डायलेक्ट इज वेरी सिमिलर, बट हैविंग सेड दैट द कैरेक्टर्स पीयूष एंड ओमकार दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। आई थिंक पीयूष इज एन एक्सट्रोवर्ट, ओमकार वॉज एन इंट्रोवर्ट। ओमकार वुड डू एनी थिंग फॉर हिज सिस्टर्स एंड वुड नॉट थिंक ट्वाइस एंड वुड नॉट, उसको 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 फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके वो लाइफ में खुद के लिए उसको क्या मिल रहा है, उससे क्या नहीं मिल रहा है, उसकी बहनों को मिल जाए मेडल तो बस उसकी ज़िंदगी सॉर्टेड है। वेयर एज पीयूष उसको सिर्फ गर्लफ्रेंड बनानी है भाई, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है। सो या फ्यूचर में भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट यार, लॉट ऑफ पीपल से दैट डिजिटल इज द फ्यूचर। आई से डिजिटल फ्यूचर नहीं है, डिजिटल इज द प्रेजेंट। देयर इज सो मच ऑफ यू नो गुड कॉन्टेंट अवेलेबल ऑन डिजिटल फ्रंट, देयर इज सो मच ऑफ मनी बींग पम्प्ड इन। आज की डेट में जितनी फिल्मों में पैसा यू नो मिलता है एक आर्टिस्ट को, उतना पैसा डिजिटल फ्रंट पे भी मिलता है, सो व्हाई नॉट, दे आर मेड इन द सेम वे एंड इट इज मोर इजीली एक्सेसिबल टू द ऑडियंस, सो व्हाई नॉट। आज आयुष्मान की फिल्म रिलीज हुई जी, बरेली ने की बर्फी ने तो काफी 27 करोड़ तक पहुंच गए, या 27 करोड़ तक पहुंच गए, और ये भी बहुत अच्छी, ये रिव्यू करके आए हैं आज सुबह, आप ही करके आए थे इंशाल्लाह, ये भी उस ये मुझे उस मुझे लगता है शायद उससे ज्यादा ही पहुंचे। मैं ऑफ कोर्स बरेली की बर्फी दो बार देख चुका हूं, शुभमंगल सावधान भी दो बार देख चुका हूं, एंड आई थिंक आई विल गो अगेन ऑन संडे टू वॉच शुभमंगल सावधान विद द फैमिली टू चेक कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बोथ द फिल्म्स have done fantastically well at the box office, you know, at the same time viewers ke dil mein sare characters reh rahe hain, they're enjoying I think each and every bit of the comic timing from all the characters in both the films. Aap ek show host karne wale hain, ek bahut bada show hai wo, uske bare mein jhalak hame pata chal gaya hai, isliye aap hame bata sakte hain us bare mein? Yaar it's a spiritual reality show called Om Shanti Om, एंड काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी बड़ा सेटअप है, किसी ने इस कॉन्सेप्ट में अभी तक कोई रियलिटी शो नहीं देखा है, बिकॉज़ क्या है जितने भी रियलिटी शो इस समय चल रहे हैं वो स्पेसिफिकली डांसिंग सिंगिंग ऑन बॉलीवुड नंबर्स चलते हैं, बट आप देखो तो हमारा देश इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे देश की आई थिंक, और इतने सारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं और सब लोग बहुत ही आई थिंक दिल से अपने अपने भगवानों को, अपने अपने अल्लाह, अपने अपने चर्च, यू नो ईसा मसीह, वाहेगुरु सबको मानते हैं, तो आई थिंक जो ट्रेडिशन हम कुछ द यंग इंडिया शायद ट्रेडिशन कुछ लेवल से कुछ परसेंटेज से भूल चुका है, तो हम ट्रेडिशन और यंग इंडिया को अमलगमेट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस शो कॉल्ड ओम शांति ओम, जो मैं होस्ट कर रहा हूँ, और सोनाक्षी सिन्हा एंड शेखर रवजियानी एंड कनिका कपूर एंड स्वामी रामदेव जी, दीज आर द फोर जजेज ऑफ द शो। Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much.